guest this morning is someone who deals with the more environmental aspect as far as advocating to preserve our environment and to ensure that it is safe for people to live in and around, and we live in a synergized manner with nature. Dr. Jaidhar Gupta is joining us this morning. At the outset, I would like to thank you for taking out time speaking to NewsX. My very first question is, have you felt any sort of difference in the air quality in the past few weeks, and are you finding it a little difficult to be in Delhi at this time? Am I audible? Hello, am I audible? Well, there seems to be a connectivity issue at Mr. Gupta's end. But of course, in the meantime, my colleague Anil Chaudhary has in fact filed this ground report. Let's have a look at the ground report that my colleague Anil has filed. दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर बेहद ख़राब स्थिति में पहुंचते ही ग्रैप 3 लागू कर दिया गया। ग्रैप 3 लागू होने के बाद तमाम पाबंदियां अब लगा दी गई हैं और युद्ध स्तर पर पोल्यूशन को मात देने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं और किस तरीके का काम किया जा रहा है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, किस तरीके से सड़कों पर लगातार छिड़काव किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम आपको दिखाई देगा, किस तरीके से पोल्यूशन को मात देने का काम किया जा रहा है। हालांकि एक नहीं 11-11 गाड़ियां आपको यहां पर स्मोक गन द्वारा छिड़काव करती हुई दिखाई देंगी। सीधी तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट इलाके से हम दिखा रहे हैं जो कि आनंद विहार इलाके का है। एक नहीं बल्कि 11-11 गाड़ियाँ जो हैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और लगातार जो है छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पर, जिससे पोल्यूशन का लेवल कम हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं बिल्कुल तैयार हैं, लगातार पोल्यूशन को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीरें भी दिखाऊंगा किस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है। तो जो ऊँची ऊँची इमारतें हैं आनंद विहार इलाके के पास जो बनी हुई हैं वो आपको धुंधली सी दिखाई देंगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो चादर है जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में लिए हुए है। और सड़कों पर भी आप देख सकते हैं पानी सूख नहीं पा रहा है। लगातार जो है दिल्ली सरकार द्वारा अब ये काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पोल्यूशन से छुटकारा मिल सके। लगातार छिड़काव जो है दिल्ली के तमाम इलाकों में देखा जा रहा है। हालांकि कितना ये असरदार होगा ये तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से गोपाल राय मंत्री द्वारा ये भी कहा गया है कि इम्प्लीमेंट जरूर किए जाते हैं, तमाम कागजी कार्रवाई जरूर की जाती हैं, पर अधिकारी उस लेवल पर काम नहीं कर रहे थे। इसलिए एक आज मीटिंग भी बुलाई गई है, उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ग्रैप लागू जिस तरीके से किया गया है तमाम पाबंदियां हैं वो ज़मीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। हालांकि इस दम घोटू हवा से लोगों को कब निजात मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक्शन में फिलहाल जो है सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ग्रैप लागू होने के बाद तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो कि गैर जरूरी साइट्स हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है, और जो कि BS3 वाहन पेट्रोल के उन पर प्रतिबंध लगाया गया है और BS4 डीजल के वाहनों को भी प्रतिबंध कर दिया गया है, अब आप नहीं चला पाएंगे। इस तरीके के तमाम जो प्रतिबंध हैं वो ग्रैप 3 में लगा दिए जाते हैं। अब नियम जरूर बनाए गए हैं और उसको लेकर आज मीटिंग भी की जा रही है। इस मीटिंग के बाद किस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा, और क्या पोल्यूशन से इस दम घोटू हवा से आम लोगों को निजात मिल पाएगा या ऐसे ही लोग परेशान होते रहेंगे। दिल्ली से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द NewsX YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।